ओके okay. पास डेटा है, एक डेटा है सेल्स का, और दूसरा डेटा है मेरे पास प्रोडक्ट का। ठीक है, इसमें हमारे पास है एक सेल्स आईडी, डेट, पीआईडी, प्रोडक्ट आईडी एंड क्वांटिटी। ये डेटा मैंने बना लिया। और इसको मैं कॉपी करके वैल्यू पेस्ट कर देता हूं। दूसरा प्रोडक्ट है, इसमें हमारे पास क्या है, यहां पे पी आई डी नेम और यहां पर एमआरपी। सेल्स सीआरटी और प्राइजेस भी दे देता हूँ मैं। हमारे पास अब दो डेटा है जो आपके सामने दिख रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे यहाँ सेल्स निकालना है प्रोडक्ट के हिसाब से कि किस प्रोडक्ट में कितना सेल। तो अगर हम नॉर्मल पिवट लगाते हैं तो हमें प्रोडक्ट आईडी के हिसाब से टोटल मिलेगा, लेकिन मुझे मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट के नेम के अकॉर्डिंग चाहिए। ये और भी डिटेल हो सकती है प्रोडक्ट का, उसके लिए हम रिलेशनशिप का इस्तेमाल करेंगे। कैसे, पिवट टेबल लगाने से पहले लगाए यहाँ पे आता है एड दिस डेटा टू डेटा मॉडल। ठीक है, आप इसको सिलेक्ट कर लगा इंतजार कीजिए। फिर आपका जो प्रोडक्ट वाला है तो दो सीट में दोनों करना पड़ेगा ना, इसको भी सेम काम कीजिए। एड दिस टू डेटा मॉडल, आ गया। लेकिन अभी तक इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, किस चीज के हिसाब से डेटा वो लुकअप करेगा,
ऐसा कुछ सेटअप तो नहीं है ना? ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे हम यहां रिलेशनशिप पे जाए। रिलेशनशिप तभी एक्टिवेट होगा जब दो डेटा के अंदर डेटा मॉडल ऐड करोगे, तभी एक्टिवेट होगा, अदरवाइज डीएक्टिवेट होगा। और सिर्फ आपको 2013 से मिलेगा। न्यू हमारा रेंज का जो कॉलम है वो पीआईडी रिलेट करता है रेंज वन के पीआईडी से। ठीक है, एंड ओके, अब क्लोज। अब यहां ऑल पे देखिए रेंज रेंज वन दोनों आ गया। मुझे रेंज वन से प्रोडक्ट का नेम चाहिए। यहां से क्वांटिटी चाहिए। आ गया? सर एक्चुअली क्या है इसमें जो पी आई डी जो कॉमन है दोनों में कॉमन होनी चाहिए क्या? हाँ, नहीं हुआ कॉमन तो नहीं चाहिए। ओके ठीक है ठीक है ठीक है। ऐसा तीसरा भी कर सकते हो। ये तीसरा मैंने कस्टमर को बना दिया, कस्टमर सी आई डी नेम यहाँ पे और हमने जो हमारा सेल्स डेटा था उसमें एक कॉलन ऐड करेंगे। अब यहां पे हम दे देंगे सी आई डी और सेम जो है रिपीट कर देते। क्या चाहिए? अब मैं पिवट को रिफ्रेश करता हूं। तो रेंज में हमें देखिए सीआईडी आ गया ना। लेकिन जो कस्टमर का डेटा है वो तो अभी डेटा मॉडल में नहीं गया। पिवट टेबल लगाते समय मैं इसको भी ऐड डेटा टू डेटा मॉडल करके ओके करता हूं।
ऐड हो गया। तो फिर हमको ये देखो कुछ नहीं करना पड़ेगा हमें, क्योंकि रिलेशनशिप भी तो नहीं हुआ है ना। यहां जाएंगे न्यू, हमने बोला रेंज का सीआईडी, रेंज टू का सीआईडी के बराबर है एंड ऑल में आया। देखो मैंने इसकी सिटी को लिया, यहां रखा, इसका नेम भी मैंने यहां रखा, और फिर रेंज वन से हमने नेम को यहां रखा, एमआरपी का एवरेज यहां निकाला, देखिए इसमें आपका नहीं आया ना, क्यों नहीं आया, क्योंकि हमारा रिलेशन जो है वो मतलब कि कस्टमर और प्रोडक्ट से नहीं है, हमारा हमारा कस्टमर और प्रोडक्ट का सेल्स से, ठीक है, इसलिए इसकी एमआरपी नहीं आएगी। हाँ लेकिन रेंज का, रेंज की क्वांटिटी को आप ले सकते हैं। आगे रेंज की क्वांटिटी अगर लेने के बाद क्या इसकी एमआरपी आता है, नहीं एमआरपी नहीं आया, समझे, समझाया सर? नहीं सर, मतलब कि अगर तीन को करते हो ना सर, जो वैल्यू वाले सेक्शन है वो वैल्यू वाले सेक्शन में जो आपका पहला ही आएगा जिससे सारा लिंक है, क्योंकि मेरा जो होता क्या है कि हमने जो रिलेशन किया, रिलेशन को समझिए, ये हमारा टेबल वन है, ये हमारा टेबल टू है, ये हमारा मेन टेबल है, तो मेरा कनेक्शन इससे, इसका कनेक्शन इससे है और इसका कनेक्शन इससे, ठीक है, वन टू एंड थ्री को, बट क्या है कि टू का रिलेशन थ्री से नहीं है ना, इसका रिलेशन तो टू के रिलेशन वन एंड टू के बीच रिलेशन तो नहीं है, नहीं है, मतलब कि राम श्याम और मोहन, तो मोहन श्याम का फ्रेंड है और फिर राम राम मोहन का फ्रेंड है, राम और श्याम आपस में फ्रेंड तो नहीं है ना, क्योंकि तो नहीं है, बिल्कुल नहीं, मोहन से है। ऐसे ही आपका वन एंड टू जो है कनेक्टेड थ्री से, बट वन एंड टू आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो अगर आप थ्री को नहीं ले, थ्री को जो भी कैलकुलेशन वाला पार्ट होगा वो थ्री का जाएगा, वन एंड टू बिना थ्री को इन्वॉल्व किए हुए वन एंड टू को लेके जाओगे तो आपका रिजल्ट कुछ नहीं आए। ओके समझ गया, रिलेशनशिप का यही वैल्यू होती है। लेकिन रिलेशनशिप में अगर मुझे कैलकुलेशन और बहुत सारे चीज करना हुआ तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे पावर पिवट। लेकिन पावर पिवट में आज आप लोगों को नहीं पढ़ाने वाला, क्योंकि पावर पिवट को करने से पहले आपको इसको क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप को समझना होगा, तो आप कम से कम 10 टेबल बनाएं और 10 टेबल के बीच में रिलेशन करके आप पिवट बनाएं, उसके बाद कल हम आपके साथ पावर पिवट पे क्रैक करेंगे। कल जो वीडियो भेजे थे कल या परसों, सर वीडियो में भेजे थे, लेकिन आप लोग कोई आदमी मोबाइल से ज्वाइन, सारे आदमी मोबाइल से ज्वाइन कर रखा है, आप लोग पीसी से ज्वाइन कीजिए, आप लोग खुद रिकॉर्ड कर लोगे, आप लोग समझे, ओके मोबाइल से, विकास जी ने किया है, तो उनको अलाउड रिकॉर्ड हो सकता है,
कल से आप लोग पीछे ज्वाइन करेंगे तो आप लोग खुद इसको रिकॉर्ड कर पाएंगे, ऐसे रिकॉर्डिंग में डाल देता हूँ अभी यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगी। सर मैं तो पीसी से इससे ज्वाइन करता हूँ क्योंकि वो रिकॉर्डिंग मैंने चला रखा है ना इसलिए। अच्छा, नहीं ऐसे भी आप, मैं यहाँ से अलाउ रिकॉर्ड कर दूंगा तो आप भी रिकॉर्ड कर पाओगे। ओके सर, ओके। हाँ जूम ऐप मैंने इसलिए लिया ही है ना कि रिकॉर्डिंग आप खुद कर सकते हो। तो दिक्कत वही है कि आप रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको कनेक्टेड होना चाहिए पीसी से। दिक्कत ये आ जाती है सर कि कभी कभी हम बाहर भी रहते हैं तो वो मैं तो रिकॉर्ड मेरी तो रिकॉर्डिंग होती ही है। नहीं सर मैं बोल रहा हूँ मेरी रिकॉर्डिंग मिलने में टाइम लगता है ना, आपकी रिकॉर्डिंग क्लास के बाद ही मिल जाएगी ना, इससे बोल बिल्कुल।